अरे रोहन कैसा है। मैं तो ठीक हूं। तो यार ये बता, एमएसटी सीटी की एप्लीकेशन फॉर्म या एग्जाम डेट, कोई इसका अपडेट मिला? अरे यार अभी तक तो सीटी की कोई एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट के ऊपर तो कोई अपडेट नहीं आई, तो आएगी कब? तो बात करते हैं एमएसटी सीटी 2024 एग्जाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, देखो सीटी का एग्जाम इस साल 2022 वाले बच्चों के लिए जो 23 में हुआ था वो हुआ था अराउंड मई के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद जो है 2023 वाले बच्चे उनका जो एग्जाम है वो हम यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में वही अप्रैल मई, देखो मई में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा, क्योंकि यार जेई मेन की पहली अटेम्प्ट जनवरी में होती है, दूसरी अटेम्प्ट अप्रैल में होती है। तो जैसे कि अगर हम देखा जाए तो मई में ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम डेट तो हमारी हो गई मई, ठीक है, मई के महीने में होगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब यार डेट में लिख दू 1 से 15 मई या फिर 15 से 30 मई तो कोई फर्क नहीं रखेगा, मई में समझ के रखो, मई 2024, ठीक है। अब कि सर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर बता दो, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म छूट गया तब तो फिर एग्जाम हो ना हो क्या फायदा है। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, तो ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भाई कभी भी रिलीज करती है सीईटी सेल, ठीक है। तो यार जो बच्चे क्या बोलते हैं किसी भी काम में बिजी हो या फिर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और जिनको नहीं पता चल पाए, तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जाम के रिलेटेड सारी अपडेट मैं अपने चैनल पे देता रहूंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जब भी रिलीज होगा हम आपको चैनल पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। पर ये बता देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगी कब तक, तो ये भाई हो सकता है कि सीटी सेल कभी भी नोटिफिकेशन दे दे, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, दिसंबर या जैन में, ठीक है। अब ये फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, कभी फेब्रुअरी भी हो जाता है और कभी कभी यार ये लोग आगे पीछे करते रहते हैं, तो यार ये इनके ऊपर है। तो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, सीटी सेल, सीटी सेल पे। क्योंकि देखो पहले जो है बहुत ज्यादा इस पे इंटरफेरेंस होता था, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह भी इन पे ट्वीट वगैरह करके बोलते थे, पर यार कुछ टाइम के बाद जो है महाराष्ट्र में फिर एजुकेशन मिनिस्टर उतना ज्यादा रोल अप नहीं दिखाते, अब जो है सब कुछ सीटी सेल के अंडर में आता है। सीटी सेल जो ऑर्डर देगी वो होगा, सीटी सेल जब करना चाहे वो तब करेगी, तो सीटी सेल के पास जब पूरा पावर आ जाता है तो वो सब कुछ टाइम से टाइम करती है। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही रिलीज होगी अपडेट तो दी जाएगी। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।